फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होने लगती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम होती है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन यानी ऑटोमेटिक कम या ज्यादा होने लगती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में ये वाला फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है, ठीक है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ये ऑप्शन टैप करना है, वेब व्यू, ठीक है। अब इसके अगले पेज में भी आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर भी आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पर ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे दोबारा से, तो इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखते हैं, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करना है, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।